इसमें घर से घर तक इसलिए था कि हम रेंट का घर था और हम लोग जो थे ना घर के अंदर पिज्जाज वगैरह बनाते, कि जब आप इंसानों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने ये 50,000 से स्टार्ट किया था, फिर ये होगा कि हम लोगों ने 5 लाख रुपये अपनी फीस रखी हुई है, ठीक है, फ्रेंचाइज फीस है, उसके अलावा 5 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी है जो कि काबिले वापसी अगर आप छोड़ना चाहें। हम आवाज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज के साथ, मैं हूँ नुमान मलिक। व्यूअर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं घर से घर तक के CEO हसन साहब, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी स्टोरी क्या है, कि इन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया इतनी छोटी सी अमाउंट से और आज माशाल्लाह ये लाखों कमा रहे हैं। अस्सलाम सर जी। वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि घर से घर तक की क्या स्टोरी है, घर से नाम क्यों था सब? अच्छा, इसमें घर से घर तक इसलिए था कि हम लोगों का रेंट का घर था। अच्छा ठीक है। और हम लोग जो थे ना घर के अंदर पिज्ज़ाज वगैरह बनाते थे और हम उसको ऑनलाइन सेल करते थे। अब वो रेंट का था क्योंकि पिज़्ज़ाज वगैरह हम लोग बनाना और उसको ऑनलाइन सेल करना, जिसकी वजह से होने ये लग गया कि कुछ अरसे के बाद 2-3 महीने के बाद लोग जो थे ना वो हमारे घर के बाहर गाड़ियाँ लगा के तो पिज़्ज़ाज खाया करते थे। तो अब हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद जो था हमारा मालिक मकान जो थे वो, उन्होंने देखा कि ये तो बाहर पूरी गाड़ियों का रश लगा हुआ, पूरा रेस्टोरेंट आपका रेस्टोरेंट बन गया, तो पूरी हमारी गली ब्लॉक हो जानी और जनाब वहाँ पर गाड़ियों में लोग आए हुए हैं, खाना खा रहे हैं, पिज़्ज़ाज खा रहे हैं। उन्होंने हमें फिर कहा कि नोटिस दिया कि यार ये काम ठीक नहीं है, मेरा तो घर कमर्शियल हो जाएगा, ये काम सही नहीं है, आप इसको बंद करें। अब वो उस वक्त हमने क्रेवर कंपनी के नाम से अपना एक पिज़्ज़ा पॉलर टाइप बनाया था और वो होम बेस था और हम लोग घरों में ही बनाते थे, घर में ही बनाया करते थे। उसके बाद जनाब जब उन्होंने हमें नोटिस दिया तो फिर नोटिस देने के बाद हमें ये ख्याल आया कि अब हम अब इस तरीके से तो नहीं कर सकते कि लोग बाहर आएँ और अब उनको रिफ्यूज़ कर दें, बेहतर यह है कि इस काम को बंद करो और एक कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो हम लोगों को सिर्फ डिलीवर करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट हमारा ऐसे ही हुआ, फिर हम लोगों ने घर के अंदर ही, मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरे भाई ने, हम तीनों ने मिलकर प्रोडक्ट्स बनानी, फ्रोजन प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते थे। ठीक है। और उसको फिर जो है ना ग्राइंडर रखे हुए थे हम लोग डिलीवर करना शुरू कर दिया। ओके। ये आज से कोई 3-4 साल पहले की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। उस तरह से ये घर से घर तक का स्टार्ट हुआ। ये मेरे भाई ने ये नाम रखा था क्योंकि हम लोग हाँ होममेड चीज़ें बनाते थे और लोगों को घरों में डिलीवर। स्वीट नाम है, अगर देख के ना बंदा अपनी अपनी सी फीलिंग आती है घर से घर। हाँ, तो ये इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ था। फिर ये आहिस्ता 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 बढ़ता गया, फिर ये अब माशाल्लाह से हम लोग जो है ना वो लीडिंग उसमें कंपनीज में जो ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। ऑनलाइन तो हमें तकरीबन मैंने आपको जैसे बताया 3-4 साल हो गए और फिर उसके अंदर फिर प्रोडक्ट्स ऐड होती चली गई, काम मेरा बढ़ गया, वो अब फिर घर पे भी मैनेज नहीं था हो पा रहा हम लोगों से। फिर मैंने अपने साथ लोगों को अटैच करना शुरू कर दिया। okay. क्योंकि काम की जो नोयत थी वो बहुत ज़्यादा हो गई और हम लोगों से मैनेज नहीं हो रहा था। फिर मैंने ये सोचा कि बजाय कि मैं अपना कोई वो ऐसा करूं कि यानी तो प्रोडक्शन यूनिट लगाऊं, उससे बेहतर ये है कि जिस तरीके से हमने अपना रोज़गार शुरू किया, मैं अपने साथ लोगों को मैं आना चाह रहा था कि आप बता रहे थे कि डिफरेंट फैमिलीज से आपने कॉन्टैक्ट किया। हाँ, उनको कह रही कि आप अपनी बेस्ट जो फ्रोजन आइटम बना सकती हैं आप हमें टेस्ट करवाएँ। हाँ, और आपने उनको अटैच किया, स्पेशली आपने काम कोविड डेज में किया। हाँ, ये कोविड के बाद उसमें यही था ना, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे काम बढ़ गया बहुत ज़्यादा और हम लोगों से अपने घर पे मैनेज नहीं हो रहा था। ठीक है। कि ऑर्डर ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन अब उसका एक ही हल था, या तो हम अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाएं, इसको कमर्शियली चलाएं, या फिर उस जो हमने बेस रख, जो हमारा कोर आइडिया था कि हमने घर से घर तक यानी कि डिलीवर करना है, उस तरीके से मैं करूं। फिर मैंने ये सोचा कि मैं जिस तरह हमारी फैमिली इस तरह कई लोगों को मैं अपने साथ अटैच कर सकता हूं, वो मेरे लिए प्रोडक्शन करें, सेल्स मैं करता रहूंगा। ठीक है। वो फिर ये हुआ, मैंने अब जिस तरह हमारे पास 30 प्रोडक्ट्स हैं अभी फ़िलहाल। हाँ जी, तकरीबन 30 प्रोडक्ट्स हैं और ये फिर बढ़ती जाएंगी और मेरे साथ लोग ऐड होते जाएंगे। ठीक। अब वो मैंने 30 चीज़ें किसी को मैंने रेसिपीज़ बना के दे दी कि आप ये आलू के समोसे बना दें, किसी को मैंने कह दिया चिकन के बनाएं, इस तरीके से पैरी बाइट्स बनाएं, शामी कबाब बनाएं, वो फिर अलग अलग घरों में हमने अलग अलग चीज़ें मेकिंग करवाना शुरू कर दी। अब वो जो मेकिंग हमारे पास वो लोग बनाते हैं, परचेज करते हैं, हम लोग उनको घरों पे उनकी सैलरीज डिलीवर उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस तरीके से हमारे पास सारा का सारा सामान बन के बड़े अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा पैक हो। इसी तरह किसी फैमिली ने या किसी फीमेल ने या जो घर का आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो इसका क्या प्रोसीजर, अप्रूव कैसे करते हैं? उसका प्रोसीजर हम लोगों ने ये रखा हुआ है कि हम लोग सबसे पहले ना उनसे उनकी ही बनाई हुई प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। ठीक है। जिसमें वो अब समझते हैं कि भाई हमें सबसे अच्छी प्लानिंग
पुरानी चीज़ें बनानी आती हैं। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप 3-4 प्रोडक्ट्स बनाएं, उनको बना के आप हमारे जो ऑफिस है वहाँ पे डिलीवर करवाएं, वो एज अ सैम्पल हमारे पास आ जाते हैं। वो ज़्यादा नहीं होते, वो हर प्रोडक्ट की 2-2, 3-3 पीसेज होते हैं। उनको चखने के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि इन लोगों का जो है ना टेस्ट किस लेवल का है। जो बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाई होती हैं लोगों ने, उन लोगों से फिर हम लोग जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको अपनी रेसिपीज़ देते हैं, उनको बताते हैं कि आपने ये चीज़ इतनी मिकदार में हमें डेली बना के डिलीवर करवा दें, ऑफिस में करवा दें, बाकी आगे हम पूरे लाहौर वो फॉर एग्जांपल वो जोहर टाउन में या लाहौर किसी भी एरिया में हाँ। उनका जस्ट काम है कि वहाँ घर में बनाएं जो आपने ऑर्डर दिया और आप तक भी यहाँ पहुँचा दें, आप बाकी आपका काम है सारा, वो फिर हम लोग खुद उसको डिलीवर कर देते हैं। अरे आपकी बर्फी भी हमने बड़ी धूम से सुनी है हाँ। इसकी क्या खास बात है? अभी आपने मिखलाई भी बहुत, ये डिफरेंट कैसे हैं जो बाकी जो मिठाई है, इसमें कोई कौन सी ऐसी खास चीज़ है? इसमें सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये खालिस है। ठीक है, बर्फ़ी बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिसके साथ आप उसकी कॉस्ट को कम करते करते वहाँ पर ले आए कि आप इसको अच्छे खासे मार्जिन पे भी बेचें और नहायत सस्ता बेचें। अच्छा ठीक है, इसमें मिल्क पाउडर है, तरह तरह की चीज़ें हैं जिनके साथ आप बना के बर्फ़ी बेच सकते हैं, 300-500 में बेचते रहें। अच्छा, हम लोगों ने खालिस दूध के साथ इसको पहले खोया निकालना है उसका। ठीक है, खोया निकाल के फिर उसकी पकाई होती है, फिर उसमें चीनी ऐड होती है, फिर चीनी की भी मिकदार है कि आप चीनी कितनी ज़्यादा रखेंगे वो भी आपको प्रॉफिट है। ठीक है ना, आप पर केजी अगर आपको 100-125 रुपये की किलो चीनी है, अगर आप उसमें आपने उसको 800-900 या 1000-1200 का बेच रहे हैं तो वो एक एक किलो के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है। तो हमने इसकी मिकदार चीनी की इतनी कम कर दी कि जो बंदा खाता है ना तो वो फिर खाता रहता है। जैसे आपने टेस्ट किया, आपको आइडिया कि शुगर इसमें कम है, ठीक, खोया इसमें ज़्यादा है, खोया और इसकी भुनाई पकाई बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुई है जिसकी वजह से आपको ये बड़े मज़े की लगती है। फूड का सर जो भी काम होता है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में आता है हाइजीनिक लेवल का। हाँ जी, अब इसको आप मेनटेन कर, इतना तो हमें पता है कि घर से चीज़ें नॉर्मल साफ़ सुथरी बनती हैं, हमारे अपने घरों में भी ऐसे बनती हैं, आप अपने तौर पर भी इसको कैसे मेनटेन करते हैं? इसको मेंटेन इस तरीके से करते हैं कि हम लोगों ने जो अपने वेंडर्स अपने साथ अटैच किए हुए हैं उन लोगों के किचन हम लोग विजिट करते रहते हैं, ऑनर ऑफ आप जाते हैं जाते रहते हैं। दूसरा ये कि हम लोगों ने उन वो एक फैमिलीज वो वाली अटैच की हुई हैं जिनके बड़े खुले खुले साफ सुथरे किचन हैं, उन्हें तंगी नहीं है उनको, मतलब कि बनाने में रखने में उनको उनके फ्रीजर्स मतलब उनके पास जगह का कोई मसला ना हो, यानी कि उनको तंगी किसी किस्म की पेश ना आए, बड़ा साफ़ सुथरा सा सेटअप हो जिसका उन्हीं के साथ हम लोगों ने अटैच होना है। ठीक है, ताकि वो हमारा लोड भी उठा सकें और प्रोडक्शन साफ़ सुथरे तरीके से कर सकें। यानी कि ऐसा पहले ये इन सब चीज़ों से निकला। हाँ, ये तो सारी शुरुआत की बातें हैं जो आप पूछ रहे हैं, ये तो मतलब इन मसाइल में से हम निकल के अब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, यानी कि पहले ही इनकी कटिंग कर लेते हैं कि ठीक है ये बेंच मार्क्स है हमारे, इसके बाद ही आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बता रहे थे कि फ्रेंचाइजीज भी आप ओपन करना चाह रहे हैं, इसका डिटेल में प्रोसीजर बताइए कि कोई अगर लेना चाहे तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें। भजन प्रोसीजर जो है ना बहुत सिंपल और मैंने आसान बनाया हुआ है कि इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपको लोकेशंस हम लोग बता देंगे, उनमें से काफ़ी सारी तो ऑलरेडी हमारी सेल आउट हुई हुई हैं, जो जिनके ऊपर अभी काम शाम चल पड़ा है वहाँ पे उन्होंने 15-20 दिनों के अंदर उन्होंने रेडी होकर स्टार्ट हो जाना है। ओके, जो अवेलेबल एरियाज हैं हमारे पास जो बाकी बच गए हैं लाहौर में, स्टार्ट हमारा फिलहाल लाहौर से ही है। ठीक है, उसके अंदर ये होगा कि हम लोगों ने 5 लाख रुपये अपनी फ़ीस रखी हुई है। ठीक है, फ्रेंचाइज फीस है, उसके अलावा 5 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी है जो कि काबिले वापसी अगर आप छोड़ना चाहें तो आप वो कितना टाइम में कोई छोड़ता है तो कितना टाइम तक वापस मिले उसी टाइम मिल जाएगी, मतलब आप जब छोड़ना चाहेंगे उसका टाइम प्रोसीजर होता है कि अब नोटिस आपने दे दिया मुझे कि यार मैं 2 महीने तक इसको ऑफ कर रहा हूं अपने बिजनेस को। ठीक है, तो हमने उसको आपको क्लियर करके अपने पास वो जगह वो जो शॉप है वो अपने पास हमने वापस रख लिया। ठीक है, तो ये सिस्टम है। उसके अलावा ये जो 10 लाख है उसके अलावा आपके पास तकरीबन 12-13 लाख रुपया होना चाहिए, यानी कि टोटल आप कह लो कि 23-24 लाख रुपए दुकान पे लग जाता है। ठीक है, क्योंकि एक सिंपल छोटी किराने की दुकान भी बनाए तो इतने पैसे आजकल लग जाते हैं। अब उसमें हम लोग आपको क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, सबसे पहली बात ये कि आपके पास शॉप हम लोगों ने पूरी रेनोवेट करके डिज़ाइनिंग्स करके जो हमारी सारी 50 दुकानें होंगी वो सारी एक जैसी होंगी। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बेकरी नहीं होगी, छोटा स्मॉल सा एक मरले की दुकान होगी और बड़ी खूबसूरत सी उसकी लोकेशन वो यानी कि उसका डिज़ाइन होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसके अंदर आपको इक्विपमेंट्स, उसके अंदर आपको जो जो चीज़ें उसके अंदर रिक्वायर्ड है, मशीनरी से लेके डेकोरेशन से लेके ईच एंड एवरीथिंग वो उसमें शामिल है। प्लस उसके अंदर हमने आपको स्टॉक भी दे देना है इनिशियल स्टार्ट, ताकि आप आएँ और जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप अपना सेल स्टार्ट कर दें। दूसरी बड़ी मेन बात ये है कि जितनी एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग करते हैं लाहौर में, अल्हम्दुलिल्लाह
मेरा नहीं ख्याल होगा कि मेरे से ज़्यादा कोई मार्केटिंग चलाता हो। ठीक है, हर तरह की मार्केटिंग है और इसके अंदर ये कि हमारी मार्केटिंग कभी बंद होती ही नहीं है। ठीक है, जब से मैंने स्टार्ट किया उस दिन से लेके आज तक हमने कभी भी अपनी मार्केटिंग नहीं क्लोज़ की। ठीक है, उसका बेनिफिट ये होगा कि जब लोग अपनी शॉप्स खोल के सड़कों पे उनकी दुकानें खोलेंगी तो लोग जब गुजर रहे होंगे उन्हें पता चल जाएगा कि ये वही घर से घर तक है जिसका हमने ऐड देखा था, वीडियो देखी थी, फलाना देखा था। तो ये चीज़ें आपको ताहियात आपके साथ होंगी, मार्केटिंग सपोर्ट हमारी कभी भी आपके साथ ख़त्म नहीं होगी, वो जब तक आपका अटैच है वो रहेगा। दूसरी बात सबसे अहम, वॉक इन कस्टमर्स तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जो आप सेल्स कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आपके पास जो मेरी अपनी अर्निंग है, जो मैं ऑनलाइन सेल्स करता हूँ पूरे लाहौर के अंदर, जितने मेरे फ्रेंचाइजी होंगे उन सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, उन पे आप डिवाइड कर देंगे। जो जैसे अगर आप बहरिया टाउन में अगर हो, मिसाल है, अगर आप बहरिया टाउन में आपकी फ्रेंचाइज है, बहरिया टाउन से रिलेटेड सारे के सारे ऑर्डर आपको मुफ्त में, यानी कि हमने आपको दे देने हैं, आपने उनको डिलीवर करना है, वो वाली सेल भी आपके पास ही होगी, वो ऐड ऑन हो जाएगी, वो आपकी सेल में ऐड हो जाएंगी जो आपने रोजाना, यानी कि आप उनको एक तरह से बिजनेस भी दे देंगे। हाँ, वो वाला बिजनेस एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, जो वॉक इन है, जो उनके अपने कस्टमर है वो सेपरेट है। आपकी साइड से ये सपोर्ट होगी कि जिस एरिया में वो शॉप होगी उस साइड एरिया का कोई भी ऑर्डर आएगा वो डायरेक्टली उन्हीं को जाएगा, ऑटोमेटिकली वो आपको हम लोग असाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को हम लोग अपने साथ वो रखेंगे, और ये जितने भी मेरे बिजनेस पार्टनर्स होंगे, और इंशाल्लाह ताला ये जब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रॉफिट किस तरह उनको मिलेगा? प्रॉफिट इसमें देखें, एक चीज़ होती है फिक्स प्राइस के ऊपर मैंने आपको डिलीवर करनी है। मिसाल दे रहा हूँ, 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, अगर आपने उसको 140-150 रुपये का बेचा है, वो जो ऊपर का प्रॉफिट है वो आप ही का ही है, उसमें कोई रॉयल्टी किसी किस्म की कुछ भी हम लोगों ने चार्ज नहीं। आप नॉर्मली तो ये होता है कि कंपनी बता दीजिए कि फॉर एग्जांपल 100 रुपये की चीज़ आप इसे 110 की सेल करें, क्योंकि प्राइसिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ना हो कि एक चीज़ 110 रुपये की जोहर टाउन से मिल रही है और वही चीज़ 110 रुपये की वहाँ से मिल रही है, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो प्राइसेस आ रही हैं हर जगह पे, हर दुकान पे सेम प्राइस में आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि अगर एक इच्छरा की दुकान है तो वो 110 रुपये की है तो DHA वाली 160 की बेच रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसके ऊपर प्राइसेस मेंशन है प्रॉपर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो प्राइस उसके ऊपर टैग लगा हुआ होगा प्राइस के ऊपर। फ्रेंचाइजी को इसमें से किस तरह मिलेगा? फ्रेंचाइजी ने अगर 100 रुपये की मिसाल के तौर पर चीज़ बाय की है, उसके ऊपर उसका प्रॉफिट मार्जिन लगा के उसकी प्राइस रखी गई है, वो आप ही बताएंगे कि हाँ कि भाई ये 100 रुपये की चीज़ आपने ली थी, इसको आपने 130 का बेचना है, ऊपर वाले 30 रुपये आपके। ठीक है, तो ये इसके बाद अच्छा एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो लोगों के माइंड में थे कि आपको जो जितनी अमाउंट है एक दफ़े ही पे करनी है, उसके बाद नहीं किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, कोई नहीं नहीं छः महीने बाद याद आ रहा था लोगों को रिन्यूअल करना है साल बाद, नहीं ऐसा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ना मैंने कोई इतनी बड़ी अमाउंट रखी हुई है कि जिन्होंने शॉप्स मेरे साथ काम शुरू करना है कि उनके लिए भी प्रॉब्लम हो, एक मिनिमम सी अमाउंट है। और ये मैंने आपको जैसे बताया, छोटी आप दुकान बनाएंगे तो आपके किराने की दुकान पे भी इतना खर्चा आजकल तो आ जाता है, तो ये हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ, बिल्कुल फेयर है, उसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। हाँ, जब आपने छोड़ना है आपको अपने 5 लाख रुपया भी काबिल वापसी है, ठीक है, जो आपने एज अ सिक्योरिटी सबमिट करवाया था, तो ये तो बड़ी सिंपल और फेयर रखा। अभी आप टोटली कितने फ्रोजन आइटम सेल कर रहे हैं? मेरे पास अभी टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन 32 हैं कि तकरीबन इतनी तो हैं। ठीक है, और अभी हम लोगों ने जब इसको फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाएंगे तो इसको मैं इंक्रीज़ करके इसमें फिर बेकरी प्रोडक्ट्स भी ऐड हो जाएंगी, तो ये तकरीबन जाएगा कोई 60 के करीब। बेकरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या इंट्रोड्यूस करना? जैसे केक रस वगैरह हो गए, इस तरह से मफिन्स हो गए, इस तरह ब्राउनीज होगी, आइसक्रीम होगी। अच्छा, वाली माशाल्लाह, तो इसको प्रॉपर तरीके से यानी कि वो होगा, फिर उसमें कॉफ़ी शॉप होगी छोटी सी, बड़ी खूबसूरत सी एक दुकान होगी, आप जैसे एंटर होंगे तो आप छोटा सा कैफे का आपका कैफे टाइप सा होगा, वो जगह जगह पे ओपन हुआ हुआ होगा, छोटा सा एक कैफे होगा एक मोहल्ले के अंदर। बिल्कुल, आप नॉर्मली हम किसी भी कैफे के अंदर जाए तो डरते हैं खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाए, नहीं नहीं उसे तो बड़ा मिनिमाइज सा कर रहे हैं, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव कर रहे हैं। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव भी आप कह सकते हैं। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें सस्ती होती हैं ऐसे, लेकिन उनकी क्वालिटी भी कम होती है अगर आपने। हाँ देखें, अब मैंने आपको जैसे बर्फ़ी की मिसाल दी है, इसी तरह हर चीज़ के ऊपर ये चीज़ लागू होती है। ठीक है, अगर आपने अपनी क्वालिटी अच्छी रखनी है तो आप उसको सस्ता, बहुत सस्ता नहीं कर सकते, एक लिमिट तक आप जायज़ मुनाफा ले सकते हैं, लेकिन उससे कम पे आप जाएंगे तो आप अपनी क्वालिटी मैनेज नहीं कर सकते। क्वालिटी अगर आपने खालिस चीज़ लेनी है तो आपको उसकी चीज़ के पैसे पे करने पड़ेंगे,
ये तो सीधी सी बात है, ये इसमें असल ही है, तरीका यही है। लेकिन अगर आपने कॉस्ट एफिशिएंसी पे जाना है तो फिर आप अच्छी चीज़ है, नहीं पैसे खर्च करने ही पड़ने हैं। मैं ये आप बता रहे थे कि आपने जब इनिशियली स्टार्ट किया तो बड़े कम पैसों से स्टार्ट किया था, मतलब 50,000 से। बिल्कुल। अब अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? माशाल्लाह तो आप लाखों ही नॉर्मली तो ये कहते हैं लाखों कमा रहे हैं, बल्कि आप और रिजर्व में बढ़कर दे, आप क्या मैसेज देंगे जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस टाइप का सेटअप? देखिए, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने ये 50,000 से स्टार्ट किया था, ठीक है, शुरू में घर से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा, जिसने भी बिजनेस में आना है ना, उसको बहुत बड़ा दिल रख के आना चाहिए। बिल्कुल। इसमें बहुत से मसले मसाइल आते हैं, इंसान की बस हो जाती है, तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, सारा कुछ आता है। और हर कामयाब बिजनेसमैन, मैं तो अभी अपना कामयाब नहीं समझता, मैं तो अभी मेरे को स्टार्टिंग है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा ख्याल में जो भी किसी मुकाम पे इंसान बैठा है ना, तो उसके पीछे उसका बहुत तल्ख और सख्त किस्म का माजी होता है। बिल्कुल। जो कि वो नज़र नहीं आ रहा होता, उन लोग बताना भी नहीं चाहते, और वो लेकिन मैं तो सारी बातें आपके साथ खुल के शेयर कर रहा हूँ कि मुश्किलात इसमें आती हैं, इंसान का दिल टूट जाता है, उसको लॉस होता है, उसके साथ मसले मसाइल चलते रहते हैं, लेकिन हर मुश्किल के बाद उसको वो जब वो पीछे मुड़ के उस मुश्किल को देखता है ना, वो उसको छोटी नज़र आने लग जाती है, वो उस मुश्किल से ऊंचा हो जाता है। ऐसे यानी कि आपके सामने एक पहाड़ खड़ा हुआ है ना, तो उस पहाड़ को जब आप क्रॉस कर लोगे ना, तो आपके पीछे वो वाला पहाड़ आपको छोटा सा लगने लग जाएगा। ऐसे तो बिज़नेस तो ये चीज़ है, लेकिन बिज़नेस के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। आपका हाथ खुला होना चाहिए, आपको चैरिटी करनी चाहिए, आपके पास आपकी तवक्को आज से अगर ज़्यादा आ रहा है, अगर आपने सोचा था मैं कि इतने मेरे पास आने चाहिए और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा दे रहा है, तो फिर आप उस पैसे को जो है ना अल्लाह की राह में खर्च। आपके बाद में बहुत पसंद आई कि बहुत बड़ा दिल रख के आना चाहिए, दिल बड़ा दिल वाला नहीं कर सकता। देखिए, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि अगर मैं ये सोचता कि यार मैं लोगों को ऐड करूँगा, मुझे उनको सैलरियाँ देनी पड़ेंगी, मैं उनको किस तरीके से सैलरियाँ दूँगा, तो मैं उन मेरा तो अपना मसला है, मैं तो खुद किराए के मकान में रहता हूँ, मैं उन लोगों को कैसे ये वो, तो फिर मैं ये स्टेप्स ना ले पाता, फिर मुझे अपने ही बस खपता रहता, प्रोडक्शन करता, वो लिमिट्स मेरी सेट हो जाती। लेकिन मैंने उस लिमिट से को अपने आप को उस लिमिट्स में से निकाल दिया। जब मैंने उसको लिमिट में से निकाला, अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, मेरी नीयत ठीक थी, मैंने लोगों का भला सोचा हुआ था, मुझे अल्लाह ताला फिर देता चला गया। अब मैं ये सोचता हूँ कि जब आप इंसानों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करते हैं। दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा हसन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।